कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री दनिशा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय देवाधिदेव गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। जय जय देवाधिदेव श्री मल्लिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। जय जय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जय संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता प्रमाणिक संत परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेसकर की तलहटी में स्थित गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सायंकालीन विलम्ब में गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूँ जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा आप अपने स्थान में खड़ो के गुरु वंदना आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरामैन छवि को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान सुलभ जी, अनिल जी बोरा, खराड़ी, पुणे। अगर उपस्थित हैं खड़ो के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती अल्पा जी, भावेश जी पटेल इंग्लैंड, श्रीमान अभिषेक जैन जरावली वाले ललितपुर, श्रीमान मयंक जी, श्री गौरव जैन मेरठ। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा उनके भावों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमान निर्माण मित्र से गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान रमेश चंद जी, मनोज कुमार जी जैन दिल्ली। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं, मैं उन श्रावक परिवारों को यहाँ आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे परम पूज मुनि श्री के चरणों में गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती विद्या देवी दानमल जी पाटनी, श्री श्रवण कुमार जी पाटनी, श्री स्नेह कुमार पाटनी, श्रीमती दीपिका जी पाटनी हावड़ा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मालवा प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान सुनील जी विलाला, गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, ये आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर मैं इनके सम्मान में संयुक्त रूप से आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, वे आएंगे सुनील जी बिलाजा के साथ श्रीमती विद्या देवी का परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में विजय भाई, इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया प्रातःकाल की वेला में, जिन्होंने आज शांति धारा के साथ साथ निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया और प्रातःकाल की वेला में निवेदन किया गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जैन निवासी श्रीमान प्रकाश चंद जी, मंजुला जी, युवराज जी, तन्वी जी, पाखी, अश्विन जी, श्वेता जी, अनिष्का जैन, उज्जैन
जिन्होंने श्रीमान केसी जैन की प्रेरणा से ये गुणायतन में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उस परिवार को जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, नित्य शांति धारा पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज शांति धारा करने के साथ साथ इन्होंने आगामी विधान में अपनी ओर से एक दिन की व्यवस्था के लिए 151,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिरोमणि संरक्षक वेश संगीता जी गोधा भोपाल, वे आएंगे हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। श्रीमती संगीता जी अगर हैं वो भी आ जाए साथ में, और मैं चाहूंगा जोरदार ताली तो बजाएं आप लोग, आइए। और इसी क्रम में मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा ललितपुर निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अजय जी शराफ सा परिवार उपस्थित हैं, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी, वे आएंगे सम्माननीय ललितपुर निवासी गुणायतन ट्रस्टी अजय जी शराफ, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पूरे परिवार के साथ आमंत्रित करता हूं, वे आए मंच पर। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस परिवार को जिन्होंने पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में अहम भूमिका अदा की, चूड़ीवाला परिवार से हमारे बीच में श्रीमान अनिल जी शपत्निक यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान अजय जी शराफ हमारे बीच आ रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजावे, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ गुणायतन के श्रीमान शिव साहब, आई साहब इधर जाओ। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा रामगढ़ जयपुर निवासी निखार वाला परिवार से श्रीमान अनिल जी चूड़ीवाल परिवार, वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंद का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी और कपूर चंद जी, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी अनिल जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। तालियां आपकी बहुत धीरे बजती है। आई साहब जिन्हें आज शांति धारा के साथ साथ लाड़ू चलाने का सौभाग्य के साथ मांगलिक क्रिया करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं, इनके सम्मान के लिए सिद्धार्थ जी कपूरचंद जी आएंगे और इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए बंधु, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा 2 दिन शेष हैं और 9 दिन विशेष हैं, 2 दिन शेष हैं 9 दिन विशेष हैं, लेकिन 2 दिन में परसों का दिन और विशेष है, हमारे चंदापुर भगवान का मोक्ष कल्याण का महामहोत्सव का कार्यक्रम हम परम पूज मुनिवर के सानिध्य में मनाएंगे, और 27 तारीख से घट यात्रा श्री शोभा यात्रा के माध्यम से हम और आप 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ करेंगे, और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो प्रत्यक्ष रूप में मंडल पुण्याजक या सामान्य इंद्रनाणी के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, गुणायतन ने कुछ संयोजना आपके बीच में रखी है, अगर आप चाहते हैं हम प्रत्यक्ष यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, परोक्ष रूप में ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक दिन की भोजन व्यवस्था, एक दिन की त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था, एक दिन के द्रव्य सामग्री और एक दिन के पारस चैनल में सीधा प्रसारण में सहयोगी बन के आप सीधे गुणायतन में होने वाले इस अनुष्ठान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए साथ ही से पुण्य का संचय कर सकते हैं। एक दिन की हमारे मंडल पुण्यजक सामान्य इंद्राणी और अतिथियों की भोजन व्यवस्था के लिए 151,000 की राशि निश्चित है, एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 151,000, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 की राशि है, साथ ही पारस चैनल में अगर आप एक दिन के पुण्याजक बनना चाहते हैं तो मैं आह्वान करना चाहूंगा उन परिवारों का पारस चैनल जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप यहां पर विधान के अंतर्गत जो संयोजना चल रही है उन संयोजना में सहयोग प्रदान करके आप घर बैठे साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे ऑनलाइन संकाओं के माध्यम से हम और आप, और मैं आप सभी के लिए सूचना देना चाहूंगा आज प्रातः काल की बेला में जिन्होंने शांति धारा के साथ साथ मांगलिक क्रिया निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया शिरोमणि संरक्षक, और उन्होंने विधान में अपनी ओर से 151,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें शिरोमणि संरक्षक श्रीमान विनेश संगीता जी गोदा भोपाल। और आइए शंका का समाधान का कार्यक्रम ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे। जयपुर राजस्थान से ज्ञानचंद जी जैन गुरुवर आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, कुछ तो बात है तेरे खारेपन में,
कुछ तो बात है तेरे खारेपन में, ए समुंदर वरना हर मीठी नदी तुझसे मिलने नहीं आती। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि समुद्र में ऐसा क्या आकर्षण है कि हर नदी उससे मिलने को बेताब रहती है। बहुत अच्छा वाक्या है, कुछ तो राज है तेरे खारे, खास है तेरे खारेपन में ए समुंदर वरना सारी मीठियां मीठी नदियां तुझसे मिलने क्यों आती। मैं बताऊं समुद्र में नदियां क्यों मिलती है, केवल इसलिए कि वो अपने पास कुछ नहीं रखता, सब सूरज के माध्यम से बादलों को दे देता है। और जब सूरज बादलों से के ले करके उसे अवशोषित करके लेता है, बादलों को देता है, तो बादल वापस उसे लौटा देता है, वो पानी फिर नदियों में घिरता है। तो नदियों को अपने जीवंत बने का राज पता है कि नीचे जाएंगे, किसी में समाहित होंगे, तभी हम अपना वजूद बचा पाएंगे। इसलिए नदियां बहती बहती सागर के पास जाती है और सागर सूरज को देखकर सबको वापस लौटा। क्या बात है। अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाड़े गुणायतन ट्रस्टी आपके श्री चरणों में नमन करती, बहुत ही सुंदर शंका रख रही हैं। गुरुदेव गुलाब को कितना कोई कितना भी मशल दे फिर भी वह महकता है, हीरे को कोई हीरा भी ना कहे फिर भी वह चमकता है, लेकिन मनुष्य की सुंदरता की तारीफ ना हो तो भड़कता है। ऐसा क्यों? अहंकार की परिणति सिर्फ मनुष्यों में क्यों है? मनुष्य में ना गुलाब सी महक है ना हीरे सी चमक है, फिर भी मनुष्य में इतना अहंकार क्यों आता है? बहुत अच्छी बात है, गुलाब को कितना भी मसले तो भी महकता है और हीरे को कोई हीरा ना कहे तो भी चमकता है, लेकिन मनुष्य को अगर कोई कुछ ना कहे तो भड़कता है। देखिए बात बिल्कुल सही है, मनुष्य के अंदर न तो गुलाब जैसी महक है न हीरे जैसी चमक है, फिर वो भड़कता है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुलाब में महक क्यों है, हीरे में चमक क्यों है। गुलाब में महक केवल इसलिए है कि वो अपने जड़ों से जुड़ा है और कांटों के मध्य भी खिले रहने का तजुर्बा रखता है। गुलाब में महक केवल इसलिए है कि वो अपने जड़ों से जुड़ा है और कांटों के मध्य रह करके भी खिले रहने का जज्बा रखता है। और हीरे में चमक केवल इसलिए है क्योंकि वो शान पर चढ़ने को तैयार होता है, छैनी और टांची की तराश को हंसते हुए सहता है। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना है कि न तो उसकी जड़ें गहरी है और न ही वो प्रतिकूलताओं को पचा पाता है। वो चाहता है कि मेरी महक हो और वो चाहता है कि मुझ में चमक हो, पर जब उसके पास खुद की कोई महक नहीं होती और खुद की कोई चमक नहीं होती तो बाहरी महक और चमक को आरोपित करता है। उस आरोपण के कारण वो एक कल्पना में जीता है और जब कभी उससे कोई आघात पहुंचता है तो भड़क जाता है। दरअसल अहंकार है क्या? अपनी काल्पनिक छवि को वास्तविक मानने के वहम का नाम ही अहम है। अपनी काल्पनिक छवि को वास्तविक मानने के वहम का नाम ही अहम है, जिसे अपने जीवन की असलियत का पता लग जाएगा उसका वहम टूटेगा और वहम टूटेगा तो अहम गलेगा। ये जीवन में अपनाने की जरूरत। ताली आपकी बहुत कम बजती हैं। महावीर नगर दुर्गापुर जयपुर से प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल आपके श्री चरणों में नमन करते ही बहुत ही सुंदर शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुवर जब हमें पता है कि रंगोली दूसरे ही दिन मिटने वाली है, फिर भी रंगोली को आकर्षक बनाने की हमारी कोशिश रहती है। प्रश्न यह है कि जब जिंदगी एक दिन खत्म हो ही जाएगी
तो फिर हमें जिंदगी को रंगोली की तरह खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात सच है कि जिंदगी को एक दिन मिटना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन से उदासीन हो जाएं। संत कहते, जितना जीवन मिला है रस लेकर जियो, जितना जीवन मिला है रस लेकर जियो, रंगोली जितने देर के लिए बनी ऐसी बने कि सबका मन मुग्ध हो उठे। तुम्हें जितना जीवन मिला है जीवन का रस लो, पर एक बात का ध्यान रखो, ये दो पल का है। बस एक बात का ध्यान रखो, ये दो पल का है। ऐसा करने में जीवन का रस तो होगा, पर जीवन के प्रति न तो आसक्ति होगी न अभिमान। और जो मनुष्य आसक्ति और अभिमान से बचता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का परम रस ले पाता है। और आइए चलते हैं यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंका के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं श्रीमान सुनील जी, मंजू जी मेरठ, उसके बाद तैयार रहेंगे व्रती श्रावक धनपाल जी जेतवत उदयपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, एक बड़े बुजुर्ग की कहावत है बच्चों से कि जब तक स्कूल कॉलेज नहीं जाओगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक तुम्हें अकल बुद्धि कैसे आएगी। तो महाराज श्री, आचार्य श्री, आप श्री या अन्य कोई मुनिराज किसी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाकर कोई बड़ी डिग्री धारी नहीं की उन्होंने, लेकिन बड़े बड़े कानूनविद, डॉक्टर, इंजीनियर, बौद्धिक सब आपके चरणों में आकर आप अपनी शंका का समाधान ढूंढते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि अकल कहाँ मिलती है, अकल कहाँ से प्राप्त होती है? क्या बोले? हाँ बिल्कुल सही। देखो एक बात बोलो, स्कूल कॉलेज में जो अकल मिलती है ना, वो केवल जबान चलाने की होती है, और गुरु चरणों में जो अकल हिलती है वो प्राण हिलाने की होती है। जबान चलाने की अकल वाले तो बहुत है, वहां मनुष्य का केवल बौद्धिक विकास होता है। जो हम पढ़ करके सीखते हैं वह केवल बौद्धिक विकास का कारण बनता है, लेकिन गुरु चरणों में जो हम अनुभव से सीखते हैं वो जीवन के समग्र विकास का आधार होता है। पढ़ लिख कर स्कूल कॉलेज में तुम एक मूर्ख से विद्वान बन जाओगे, पर संत चरणों में आओगे तो मूल से ज्ञानी बनोगे। मूर्ख से विद्वान बनना बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी सी मेहनत से कोई भी अनपढ़ विद्वान बन सकता है, लेकिन मूल से ज्ञानी बनना बहुत दुर्लभ है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा विद्वान हो ज्ञानी भी हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो ज्ञानी हो पढ़ा लिखा हो। बहुत से पढ़े लिखे ज्ञानी अपनी मूर्ता में जिंदगी बिता देते हैं, उन्हें शब्द ज्ञान होता है पर जीवन को व्यवहार से शून्य जीते हैं। और बहुत से अनपढ़ अंगूठा छाप हम जैसे, मैं अपने आप को ज्ञानी तो नहीं कहता, मैं ज्ञानी तो नहीं कहता पर अनपढ़ जरूर हूं, और इतना मालूम है कि मेरे गुरु ने मेरी मूर्ता हर ली। बस इसलिए मैं कहूंगा, मूर्ख से विद्वान बनो अच्छी बात है, न बनो तो भी तुम्हारे जीवन में खतरा नहीं, पर मूढ़ से ज्ञानी जरूर बनो। मूढ़ रहोगे संसार में रमोगे, इसलिए हमें ज्ञानी बनने का अभ्यास करना। ब्रतिश रवक श्रीमान धनपाल जी जेतवत उदयपुर, उसके बाद तैयारेंगे रामगढ़ निवासी जयपुर प्रवासी निखार वाला परिवार से श्रीमान अनिल जी चुड़ीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, एक दिन आपने प्रवचन बताया था दान की परिभाषा में, ज्ञान दान, शब्द दान और समय दान। तो महाराज श्री, ज्ञान दान तो आप फरमाते देते हैं, लेकिन शब्द दान और समय दान ये हम श्रावकों के लिए बताया, तो मेरा ये प्रश्न इसमें कि समय दान और शब्द दान की परिभाषा कैसे बनाए? मैंने चार प्रकार का दान बताया था, शब्दों का दान, समय का दान, स्नेह का दान और संपत्ति का दान। स्नेह बोला था, तो संपत्ति का दान करो, जब होगी तब करोगे।
नहीं है परेशान मत हो, स्नेह तो दे सकते हो, प्रेम तो दे सकते हो, चलो समय भी दे दो और दो अच्छे शब्द दे दो जो उसके हृदय को परिवर्तित कर दे। शब्द दान ज्ञान दान की श्रेणी में आता है, समझ गए। रामगढ़ निवासी श्री अनिल जी, श्री वाला परिवार निखार वाले अपने सभी साथियों के साथ सपत्निक और उसके बाद तैयार रहेंगे उदयपुर राजस्थान से अर्चना रमेश लालवत। महाराज श्री के चरणों में तीन बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं वो भी हमारे जीवन में सामने आ जाती है या प्राप्त हो जाती है, परंतु कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती। तो महाराज जी, ये भाग्य पुरुषार्थ और भवितव्यता का आपस में क्या तालमेल या संबंध है? देखो, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा तो पूरा सत्र हो जाएगा, आपकी बात पूरी नहीं हो। अनेक बार इस विषय में मैंने अपना मार्गदर्शन दिया है, मैं इसे एक शब्द में कहूंगा, इसे महज संयोग मानो, ठीक है? चलिए, उदयपुर राजस्थान से अर्चना रमेश लालावत, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी उज्जैन निवासी श्रीमान प्रकाश चंद जी, मंजुला जी जैन। ओ नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हर परिस्थिति में ओम को कैसे अंगीकार करें? ओम का मतलब क्या होता मालूम? संस्कृत में ओम बोलते हैं स्वीकार को। हाँ, ओम। हाँ, आप लोग बोलते हैं हाओ, क्या बोलते हैं? हाओ या हाँ, सम्मति सूचक शब्द है। तो ओम एक अव्यय तो है ही, प्रणवनाद भी है, पर ओम स्वीकार के अर्थ में भी, समझ गए? एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा, महाराज जी आप अपने प्रवचनों में या कभी कभी शंका समाधान में बीच बीच में ओम काहे को बोलते हैं, इसका रहस्य क्या? उनने सोचा ओम से किसी शक्ति का आह्वान तो नहीं करते। मैंने कहा भैया वो मेरा एक कोडवर्ड है, जब आजू बाजू वाले कुछ खटर पटर करते तो मैं ओम कह के उनको इशारा दे देता हूँ। तो ये अलग अलग, ऐसा मत सोचना कि महाराज किसी दिव्य शक्ति का आह्वान करते हैं कि ओम बोल दूं ताकि दिमाग की खिड़की खुले। अच्छा है अगर ओम बोलने से दिमाग की खिड़की खुलती है तो इससे अच्छी बात क्या? पर एक रहस्य और बता देता हूँ, दिन भर ओम बोलो, दिमाग की खिड़की खुले रहेगी, समझ गए? आपने कहा ओम कैसे पाए, स्वीकार कर लो, जो घटे ओम, जो हो ओम, बस जो ओम को स्वीकारता है वही सोम बन जाता है, भगवान बन जाता है, भगवत्ता को प्राप्त। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिन्होंने आज ही गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रकाश चंद जी, मंजुला जी उज्जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे मुंबई निवासी श्रीमती ललिता जी भयंदर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं चाहता हूँ साहब अच्छा सोचूं, अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं, तो अच्छा बन ही जाओगे। रात दिन यही भावना भाव, हे भगवान मैं सही सोचूं, सुंदर सोचूं, सही बोलूं, सुंदर बोलूं, सही देखूं, सुंदर देखूं, और सही करूं, सुंदर करूं, यही मंत्र जपते रहो, सब अच्छा हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती ललिता जी मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे कानपुर निवासी शीलचंद जी जैन आनंदपुरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैन धर्म के कर्मों की निद्रा से मोक्ष होता है, फिर पैन पनय करने के क्यों कहा जाता है? क्या करने तो के? पुण्य, पुण्य, पुण्य बोलो ना, पनय क्यों बोलो? इंग्लिश पुण्य करने के क्यों कहा जाता है? वो तो मोक्ष मार्ग से रुकावट डालता है। बिल्कुल ठीक कह रही है, पुण्य ऐसे तो रुकावट डालता है लेकिन पाप से बचाता भी, समझ गए? पुण्य हमारी नौका को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वायु की तरह है, पीछे से वायु आती है ना तो हमारी गति को बढ़ाती है, वायु गति बढ़ाती है, रोकती नहीं।
इसलिए पुण्य को अनुकूल वायु की तरह देख। श्रीमान सुशील सिंह जी ने आनंदपुरी कानपुर के बाद सम्मान सहित आवाज दूंगा। श्रोमणी संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्याजय परिवार जिन्होंने विधान में 1,51,000 की राशि प्रदान की है, श्रीमान बिरिज जी, संगीता जी गोधा भोपाल। हाँ जी, श्रोमणी संरक्षक श्रीमान बिरिज जी, संगीता जी गोधा भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी, राजनानी जी बिलाला, इंदौर। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सामाजिक और गृहस्थ जीवन यापन में न चाहते हुए भी कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है, तो हे गुरुवर, जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए कि कर्मों की निर्जरा भी होती रहे, पुण्य का क्षय न हो बल्कि पुण्य की वृद्धि भी हो सके, गुरुवर मार्गदर्शन करें। देखिए, जीवनचर्या के निर्वाह में दो बातों को स्मरण में रखें। पहली बात, यथासंभव गलतियां ना हो, और दूसरी बात, गलतियां हो जाए तो स्वीकार करने में संकोच ना हो। गलती करो मत, गलती होने पर उसे स्वीकारो, और ये दोनों बात होने के बाद यदि व्यक्ति अपने गलती का पश्चाताप करता है और उसके सुधार का संकल्प करता है तो बड़ी बड़ी गलतियां भी ठीक हो सकती। गुणायतन ट्रस्टी इंदौर निवासी श्रीमान सुनील जी, राजनानी बिलाला, उनके साथ बड़नगर निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान संजय जी, श्रीता जी बिलाला, उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जी जैन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, सलनेकना के साथ समाधि मरण होता है और दूसरा एक समाधि मरण होता है, इन दोनों में क्या फर्क है? आजकल कुछ समय से देखने में भी आता है कि कई बार मुनि महाराज जो कि संलेखना से समाधि मरण नहीं होता है और सामान्य शावक की संलेखना समाधि मरण हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? संलेखना समाधि मरण महादुर्लभ है। मरण यानी शरीर छूटना और संलेखना पूर्वक मरण यानी शरीर छोड़ना। अचानक शरीर छूट गया, ये मरण है। साम भावों से छूटा, ये सुमरण है। लेकिन बुद्धिपूर्वक आहार पानी को क्रमशः त्याग करते हुए हमने शरीर छोड़ा, छूटा नहीं छोड़ा, तब समाधि मरण। एक बार समाधि मरण कर लेने वाले अच्छे से निर्दोष समाधि कर ले, चाहे वो मुनि हो या गृहस्थ, है 2-3 भाव में मोक्ष चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव, इससे ज़्यादा नहीं, 2-3 भाव से 7-8 भाव में उसका बेड़ा पार। ये संलेखना मरण का प्रताप है। हाँ, लेकिन संलेखना जीवनांत में होती है। आनांत किम संलेखना जोशिता, जब मरण काल सामने आ जाए तब संलेख। पर ऐसे ही संलेखना का लाभ उन्हें भी हो सकता है, अचानक कोई उपसर्ग आ जाए, अचानक कोई मृत्यु की संभावना बन जाए और वो व्यक्ति जाग जाए, तो उसे बोलते हैं संक्षेप प्रत्याख्यान। मान लीजिए अभी मुझे ऐसा लगे कि अब मैं गया और मैंने तत्क्षण चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके अपने सब जीवों से क्षमा मांगते हुए, क्षमा करते हुए, जब तक इस उपसर्ग का निवारण नहीं होता, मेरा सर्व संबंधों का त्याग, इस बीच यदि प्राण निकले तो ये भी एक प्रकार की संलेखना है। इस बीच ठीक हो जाए तो? हाँ, ठीक हो जाए तो फिर मरने के लिए थोड़ी जी रहे, अच्छे से जीने के लिए जी रहे। चलिए, नमस्ते संजय। हाँ, नमस्ते गुरुवार। गुरुवार, सारे देश की जनता को जिज्ञासा है कि गुणायतन का आयतन कब पूरा होगा, हमको आत्मा से परमात्मा का मिलन का अनुभव कब प्राप्त होगा, हमको वाह वाह करने का अवसर कब मिलेगा, कृपया सबकी जिज्ञासा शांत करें। देखिए, जिज्ञासा तो सबकी है, काम अपनी गति से चल रहा है, कमेटी मुस्तैदी से लगी हुई है, पर बड़ा क्रिएटिव काम है, इसमें समय लगता है, समीक्षाएं की जा रही है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो तिथि भी आप सबके बीच घोषित हो जाएगी। बड़े कार्य हैं, इस सब कार्यों में थोड़ी जल्दबाजी करने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। अब मैं भी ऐसा नहीं चाहता, जो काम है जिस भाव और सपने को लेकर उसे शुरू किया गया है उसे ही साकार करना है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चंदन का पेड़ 4 दिन में नहीं उगता,
उसके लिए समय लगता है, समझ गया। समय लगेगा, लेकिन अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। समय पर वो तिथि भी घोषित होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही वो तिथि भी आप सबके बीच आ जाएगी। श्रीमान आशीष जी अपनी माता जी के साथ उसके बाद तैयार रहेंगे। मोडकगांव राजस्थान से श्रीमती उषा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मैं आशीष जैन पुणे से। मेरा प्रश्न महाराज जी सामायिक को लेके है। सामायिक में प्रायः अभी देखा जाता है कि हम सामायिक पाठ बोलते हैं या फिर ओम का ध्यान करो, कुछ लोग बोलते हैं ह्रीम का ध्यान करो, कुछ आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं, कुछ नाभि कमल में ध्यान करते हैं वगैरह वगैरह, पर ये सब एक तरह से देखा जाए तो विकल्प लगते हैं। अब महाराज जी निर्विकल्प होने के लिए अगर ये विकल्प में ही सब ध्यान जाएगा तो निर्विकल्पता कैसे होगी? दूसरी बात ऐसी है कि उपयोगो लक्षणम महाराज जी, तो जीव का लक्षण उपयोग है, तो उपयोग जो दर्शन उपयोग अंतर अंतर्मूत में दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग बदलता रहेगा। अब ज्ञान उपयोग में जब आएगा तो वो निर्विकल्प कैसे हो? तो उसको अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर रखना, क्या ये निर्विकल्पता की ओर बढ़ने का सही मार्ग है महाराज जी, या हमें विकल्प रखना चाहिए? सबसे पहले तो सामायिक का अर्थ समझो। सामायिक के दो अर्थ है, एक समदा सामायम नाम, समता का नाम सामायिक, ये परम सामायिक जो हम मुनियों के जीवन में घटता है, समझ गया। और दूसरा है आर्त रौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, ये हम तुम सबके जीवन में घट सकता है। आर्त रौद ध्यान का त्याग ही सामायिक है। तो आप लोग जो जिसे अभी विकल्प कह रहे हो ना, वो विकल्प है पर दुर्विकल्प नहीं है, सत विकल्प है। यह आर्त रौद ध्यान से बचने का विकल्प है, इसलिए वो तुम्हारी सामायिक है। भले सब विकल्प है पर क्या है, सामायिक है, समझ गए। अब जो सामायिक का चरम रूप है वो क्षमता है। समता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, समझ गए। आचार्य कुंदकुंद की भाषा में तुमने तो स्वाध्याय किया है, वे क्या कहते हैं, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समो तिनिदिठो, मोहो खोहो विहीनो परिणामो अपनो हुषमो। चारित्र का नाम धर्म है और धर्म क्या है, क्षमता है, और क्षमता क्या है, मोह और क्षोभ से रहित आत्म परिणाम, समझ गया। तो न मोह हो न क्षोभ हो, इसी अवस्था का नाम निर्विकल्प दशा है ज्ञान का। ज्ञान को अगर उसके स्वभाव की दृष्टि से देखे तो ज्ञान का स्वभाव विश्लेषण करना है, वो निर्विकल्प कहीं भी नहीं होता। यहां निर्विकल्प ज्ञान की जो बात की गई है केवल उसमें राग द्वेष मोह के अभाव युक्त परिणति को कहा गया है। राग द्वेष मोह शून्य परिणति निर्विकल्पता है, क्षमता। और शुद्ध शब्दों में बात कहूं तो मात्र ज्ञाता दृष्टापन, पर सविकल्प अवस्था में जीने वाले लोगों के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि ज्ञाता दृष्टा रहेगा ही नहीं। तुम्हें बोले भाई सामायिक में क्या करना, कुछ नहीं करना, बैठो, तो तुम बैठ ही नहीं पाओगे। सच्चे अर्थों में करना धरना छोड़ने का नाम ही सामायिक है, जो समता है। तो जब कुछ नहीं करने, क्रिया नहीं करना और क्रिया न करने की जगह विक्रिया होने लगे तो उस सामायिक की प्रक्रिया को अपनाओ। आत रोत परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। लेकिन जो उसमें निष्णात हो गए हैं, जिनके अंदर आत्मा में डूबने की क्षमता है, वो क्षमता सामायिकम नाम, वो परम ध्यान है। और एक बीच की बात और कही गई, जीवी मन ने लाहा लाहे संयोग विपजोगे, जीवन में मरण में लाभ में अलाभ में संयोग में वियोग में शत्रु और मित्र में निंदा और प्रशंसा में समता रखने का नाम सामायिक, समझ गया। तो
तो ये समता रखो, सामायिक है ये, सामायिक प्रवृत्ति में भी रख सकते हो। कुछ हो चीजों को नजरअंदाज कर दो, उनको अपने चित्त में हावी मत होने दो, हो गया हो जाने दो। इतनी बात जीवन में घट गई तो मजा ही मजा है, हर पल सामायिक। श्रीमती उषा जी जैन, माणिकगांव, राजस्थान। उसके बाद अवादनुगा गणतंत्र मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मोड़क जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है, मन बुद्धि ज्ञान चेतना में क्या अंतर है और इनका आपस में क्या संबंध है? मन बुद्धि ज्ञान और चेतना चारों अलग अलग शब्द है तो अलग अलग होंगे, सामान्य अर्थ में देखा जाए तो सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर भी आपने अर्थ पूछा तो मैं इनका विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। मन क्या है? जिनके माध्यम से हम विचारते हैं, हमारी विचारनात्मक शक्ति का नाम मन, जिसमें संकल्प विकल्प होते हैं। मन से ऊपर बुद्धि है। बुद्धि ये हमारे ज्ञान की एक परिणति है जो हमारे मन को भी नियंत्रित करती है, जिसे हम विवेक कहते हैं। समझ गए? हम अपने विवेक के बल पर, बुद्धि के बल पर मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को मोड़ सकते हैं। इसके बाद है ज्ञान। ज्ञान व्यापक है, जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, और चेतना उस ज्ञान को जन्म देने वाली। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। उसके बाद गणतंत्र ट्रस्टी हरिद्वार निवासी श्रीमान रवि कुमार जी जैन, मनोज जी जैन। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, विवाह के कार्ड वगैरह छपते हैं तो उस वक्त उसमें धर्म के शब्द छपे रहते हैं, तो कई लोग उसमें खाते पीते और हाथ अशुद्ध लगाते हैं और अशुद्ध जगह भी रख देते हैं, तो क्या वो दोष नहीं लगता? देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे प्रकाशित करो, उन्हें वितरित करो, और उसमें अगर कोई मंगलाचार हो तो जिन्हें भी दिया जाए उसे संभाल कर रखना चाहिए, उसकी अवमानना नहीं होनी। अगर होती है तो एक प्रकार की असाधना है, देने वाले और प्रयोग करने वाले दोनों को पाप के भागी। गुणायतन ट्रस्टी हरिद्वार निवासी श्रीमान रवि कुमार जी जैन, मनोज जी जैन। उसके बाद तैयार रहेंगे दीमापुर निवासी शशि कुमार जी सेठी। गुरुवर के चरणों में शत शत नमोस्तु 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 गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न ये केवल आपसे पूछना था कि भक्तांबर के व्रतों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और ये कब और कैसे किए जाते हैं? देखिए, व्रतों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है पहले ये पूछो, तो फिर भक्तांबर के व्रत की बात होगी। व्रतों से हमारे वृत्तियों में निखार आता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो व्रत हैं वो एक तप अनुष्ठान के रूप में अंगीकार किए गए हैं। व्रतों के माध्यम से हम तपस्या कर सकते हैं, ये एक साधना है। कालांत मूल व्रतों का उद्देश्य यही रहा कि इनके माध्यम से तप हो जाए, लेकिन कालांतर में व्रतों को लोगों ने अन्य अपेक्षाओं से जोड़ दिया। जो मध्यकाल में हुआ, दूसरी परंपराओं में भौतिक लाभ के लिए तरह तरह के व्रत उपवास आदि करने की बातें आई, वो जैनों में भी जुड़ गए। तो फिर अब लोग अलग अलग उद्देश्य से व्रत करने लगे, जैसे रवि व्रत है पारसनाथ दिनेश्वर पूजो, रवि व्रत के दिन भाई सुख शांति सब मिले, तुरंत ही आनंद मंगल दाई। तो ये जो चीज़ें जुड़ गई, आप ये भाव मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखता। व्रत करोगे कर्म झड़ेंगे, और जो भी व्रत करो कर्म झाड़ने के लिए करो। अब मैं इस उद्देश्य से भक्तावर का व्रत करूं, उस उद्देश्य से व्रत करूं, तो उसका जो वांछित परिणाम है वो नहीं मिलेगा। तुम व्रत करो अपने जीवन को निर्मल और विशुद्ध बनाने के लिए, व्रतों के बहाने तपस्या करने के लिए, तो ये व्रत तुम्हारे लिए सुखदायी होगा। इस अर्थ में भक्तामर व्रत करोगे तो मैं इतना ही कहूंगा, सच्चा भक्त बनकर अमर बन जाओगे, भक्तामर पूरा हो जाएगा।
नमोस्तु गुरु। शशि कुमार जी सेठी डीमापुर, उसके बाद सागर से श्रीमती रवि कांता जी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करना क्या स्वाध्याय में आता है क्या? और स्वाध्याय का हमें हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर मन लगा के पूजा करो तो स्वाध्याय हो जाएगा। पूजन है क्या? चार पंक्तियां सुनाना नहीं, भगवान से अपना संवाद जोड़ना, भगवान से जाके बातें करने का नाम पूजन है। अगर तुम पूजा करते करते भगवान से बात करने में सक्षम हो जाओ ना, तो न केवल स्वाध्याय, स्वाध्याय का फल भी पालोगे। नमस्ते। श्रीमती रविकांता जी सागर, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती नीति जी कलरैया मुंबई। मुनि श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु। मुनि श्री, कहा जाता है कि मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है, किंतु फिर भी मनुष्य अकेले से क्यों घबराता है और भीड़ में रहना चाहता है, ऐसा क्यों है? अकेला आता अकेला जाता है, फिर भी अकेलेपन से क्यों घबराता है, भीड़ में रहना क्यों चाहता है? क्योंकि उसे कभी अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और जब अकेलेपन का एहसास होने लगता है तो घबराता है। जिस दिन मनुष्य जीवन के सत्य को जान लेगा, आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साधु गाने को, अंदर के एकत्व के स्वरूप को जिस दिन जान लेगा, उस दिन उसकी सारी दुविधाएं पल में दूर हो जाएगी। मुंबई से बनाए ट्रस्टी श्रीमती नीति जी कर रही है, उसके बाद तैयारेंगी व्यक्ति बहन पुष्पा दीदी जयपुर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार का, स्वाध्याय ग्रुप का और समस्त पाठशाला के टीचरों का कोटिशः नमन। गुरुजी, आज 6 महीने हो गए हैं हमारी पाठशाला को प्रमाणिक पाठशाला से जोड़ने के लिए, तो इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, टीचर्स भी बहुत हैं, और वहाँ की जो एक्टिविटी वगैरह जो होती है, खेल खेल में जो पढ़ाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी गौशाला जाने का प्लान है तो वो जा रहे हैं। तो महाराज जी, किशोर अवस्था जो रहती है, किशोरशाला चालू होने वाली है, तो उसमें जो टीनेज प्रॉब्लम रहती है, इमोशनली इम्बैलेंस हो गया, एजुकेशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम और भी जो प्रॉब्लम्स बच्चों के, टीनेज वाले 15-20 बच्चे हैं करीब हमारे खारघर की पाठशाला में, तो उनसे प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में आपका मार्गदर्शन चाहिए है। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है, निश्चित इस पर एक कार्यक्रम बनना चाहिए, और टीन एज के बच्चों को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मैं प्रमाणिक समूह की पूरी टीम से कहूँगा कि जिस तरह बच्चों के लिए आपने एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार किया, टीन एज के बच्चों के लिए भी करना चाहिए। और बहुत जल्दी मैं टीन एज के बच्चों के लिए एक भावना योग भी देने वाला हूँ, जिसमें उनकी सब प्रॉब्लम्स की का समाधान मिल सके। बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और उसके कारण के माँ बाप के सामने भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इनका समाधान मिलना चाहिए और वो बच्चों को संस्कार से जुड़ सके, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। आपने एक अच्छा सुझाव रखा, इस प्रस्ताव पर विचार करके शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्ते। बहन पुष्पा दीदी जयपुर, उसके बाद खोरे निवासी श्रीमती सुषमा जी अशोक जी जैन। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, विकल्प बहुत मिलते हैं भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी होता है जो मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो गुरुवर, हम मोक्ष मार्ग रूपी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा संकल्प ले? बस घर न लौटने का संकल्प ले लो। घर में आने का संकल्प ले लो। एक ही संकल्प है। जब मनुष्य अपने भीतर वज्र संकल्प लेता है, पर परिणति से मुक्त होकर निज परिणति में रमने का, पर घर से छूटकर निज घर में आने का, तब उसका मोक्ष मार्ग सच्चे अर्थों में फलीभूत होता है। कि हम लोग का संकल्प बड़ा लचीला होता है, छोटी छोटी बातों में संकल्प डगमगा जाता है। जिसका वज्र संकल्प होता है, वो कोई अपने संकल्पों में अडिग रहते हैं, वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करते, और वही उनके जीवन को उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचाते हैं।
तो कौन सा लें राजश्री? ठान लो अपने अंदर एक ही बात कि अब मैं आगे ही बढ़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। नमस्ते नमस्ते। श्रीमती सुषमा जी, अशोक जी खुरे चष्टी गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रतन लाल जी, अनिता जी जन, होशंगाबाद। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। करुण बीज के समान होते हैं, हम जैसा बीज होते हैं वैसा फल मिलता है। तो महाराज जी, हम कैसे शुभ कर्म करें जिससे हमें शुभ परिणाम मिले और अशुभ कर्मों से बचें? कौन से कर्म करें शुभ परिणाम मिले, अशुभ कर्मों परिणामों से बचें? तो बस अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, सबके बारे में मंगल सोचो, बुरे भाव, बुरे व्यवहार और बुरे वचन व्यवहार से बचो। जितना बन सके पुण्य उपचायक क्रियाओं में अपनी सहभागिता दो, पुण्यवर्धक क्रियाओं में अपनी संलिप्तता रखो। अच्छा बीज बोएंगे तभी अच्छा फल पाएंगे, इसलिए सतत उसके लिए प्रयास करें। श्रीमान रतन लाल जी, अनिता जी होशंगाबाद, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमती कल्पना जी भोपाल। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अंजना सती ने 21 क्षणों के लिए जब प्रतिमा जी मंदिर से बाहर निकाली थी तो उनको इतना दुखों का सामना करना पड़ा, और यदि कोई श्रावक के हाथ से प्रक्षाल और अभिषेक करते समय मूर्ति गिर जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है और उसका क्या प्रायश्चित है, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, अंजना ने थोड़े क्षण के लिए भगवान की प्रतिमा को छिपाया, इतने मात्र से उसको ये कष्ट नहीं मिला, बुरे अभिप्राय से छिपाया। प्रतिमा को गिराना और प्रतिमा का गिर जाना, इसमें बड़ा अंतर है। गिर जाएगा, सुनो तो बात करना। प्रतिमा को छुपाना और प्रतिमा को अच्छे भाव से छिपा के रखना, हमारे यहाँ देश में कई जगह तहखानों में जिन प्रतिमाएं बहुमूल्य प्रतिमाएं हैं, उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा के भाव से रखा तो वहां अंतराय नहीं है, लेकिन दुष्अभिप्राय से दुराभिप्राय से एक पल को भी करे तो महापाप। इसी तरह किसी के हाथ से थोड़ी सी चूक वश, असावधानी वश प्रतिमा यदि गिर जाती तो इसका अर्थ ये नहीं समझना वो अंजना जैसे पाप का भागी है। लेकिन प्रतिमा का गिर जाना हमारी आस्था के खंडित होने का प्रतीक है, इसलिए मन में चैन नहीं होनी चाहिए, बेचैन होना चाहिए और तत्क्षण गुरुओं के समक्ष जाकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्या हो ये सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जाता, पर उन्हें गुरुओं से संपर्क करना चाहिए और उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और जब तक प्रायश्चित नहीं हो तत्काल एक शांति विधान करना चाहिए, शांति कर्म करना चाहिए। शांति विधान, शांति कर्म करो, शांति मंत्र की जाप करो और बाद में गुरुजनों से निवेदन पूर्वक उसका प्रायश्चित। श्रीमती कल्पना जी जैन भोपाल, उसके बाद श्रीमती शंपत देवी कुंत कुमार जी उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा, मेरे परिवार का और मेरे पाठशाला की सभी बहनों का आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम पाठशाला पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि क्या वही जीव क्या है, अजीब क्या है, कुछ रोचक क्यों नहीं होता पाठशाला को। तो आज के मॉडर्न के ज़माने में सब बच्चे मोबाइल देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हमको भी मॉडर्न पढ़ाना चाहिए, तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे बच्चों को रुचि होए और हमारे धर्म की प्रभावना बढ़े? आप तो प्रमाणिक पाठशाला से जुड़ी हैं। जी, अभी भी शुरू हुई है। हाँ, तो बस थोड़े दिन बच्चों को सिखाओ, उससे तो उनको अपने आप पता लगेगा कितने रोचक तरीके से उसमें पढ़ाया जाता। मैं देश भर के सभी पाठशाला के संचालकों से कहता हूँ, प्रमाणिक समूह से संपर्क कीजिए, प्रमाणिक पाठशाला से आप जुड़ोगे तो आज जहाँ पाठशाला के नाम से बच्चे भागते हैं, कल बच्चे भाग कर पाठशाला आए, इतना बड़ा बदलाव। खेल खेल में धर्म का ज्ञान और बहुत गहराई के साथ आप अपनी पाठशाला को जोड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। पढ़ाना आपको ही होगा, सारी चीज़ें आपको ही करनी, पर उनसे आपको सारी सामग्री और टेक्निक मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, और आप उसका प्रयोग करके अपने बच्चों का भविष्य गढ़ सकते हैं। ये लाभ सबको लेना चाहिए।
महाराज जी एक क्वेश्चन बच्चों की तरफ से, बच्चे कहते हैं कि तीर्थंकरों के सारे चिन्ह तिर्यंच गति के जीव के क्यों होते हैं, ऐसा क्या है तीर्थंकरों के? इसलिए कि तिर्यंच जितने होते हैं ना उनकी पहचान नहीं होती, आदमी की कोई पहचान नहीं होती। शेर सब एक से दिखेंगे, गाय सब एक से दिखेंगे, हिरण सब एक सा दिखेगा, बकरी सब एक से दिखेंगे, आदमी एक से। इसलिए आदमियों का दुर्भाग्य है कि वो भगवान के पहचान के भगवान के चरणों में भी जगह नहीं पाए। और तिर्यंच बड़े भाग्यशाली है कि उन्हें भगवान के चरणों में स्थान मिला। ताली तो बजाइए आप। श्रीमती शंपत देवी कुंत कुमार जी उदयपुर, इसके बाद सीलचंद जी जैन आनंदपुरी कानपुर। कहाँ है सीलचंद जी? पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, कागज हंसता है, हंसता नहीं दूसरे को हंसाता है, रोता नहीं और रुलाता है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट, कोई भी डिग्री हो या कॉलेज का रिजल्ट हो, स्कूल का रिजल्ट हो, तो क्या सब रिमोट कागज के हाथ में ही है? कागज हंसता नहीं हंसाता है, रोता नहीं रुलाता है। बिल्कुल ठीक है, कागज को देख के लोग हंसते हैं और कागज को देख के लोग रोते हैं। जेब में भी जो है वो कागज ही तो है जिसके कारण लोग हंसते हैं और जिसके कारण रोते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी का समाचार प्रकाशित हुआ, लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की, फूला न समाया, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। उसने शाम को पार्टी की और 20,000 रुपया पार्टी में फूंक दिया, खुश। दूसरे दिन अखबार में विज्ञप्ति छपी, भूल सुधार। कल जो समाचार छपा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो पहला जो अंक था वो 1 की जगह 2 पढ़ा जाए। अब वही अखबार लेके रोना शुरू कर दिया, छाती पीटने लगा कि 1 करोड़ की लॉटरी गई तो गई, 20,000 गांठ के और चले गए। अब सवाल है, कागज हंसाया कि कागज रुलाया? सच्चे अर्थों में कागज न हंसता है न हंसाता है, न रोता है न रुलाता है। जो कागज में फंसता है वही हंसता है, वही रोता है। मेरा जब ममत्व उससे जुड़ता है, जब हम उसके साथ अपना इष्टानिष्ट जोड़ते हैं, तो कागज हंसता है, कागज रुलाता है। एक बार मैं अमरकंटक में था, एक आदमी नहा रहा था, अपने रुपया हैंडपंप के साइड में रखा था, मैं वहीं धूप में था, एक गाय रुपया चढ़ गई। अब उसके लिए वो तुम्हारे नोट, और उस समय 1,000-1,000 के नोट चलते थे, 1,000-1,000 की गड्डी थी। हमने बोला, गाय को अगर बुद्धि होती, इसके पास पाकिट होती तो ले जाती, महीना भर का खुराक हो जाता। लेकिन ये क्या कहेंगे, मेरे देखते देखते एक बेचारा करे तो क्या करे, तो ऐसा खेल होता है। तो हमारा इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ही हमें हंसाता है रुलाता है। जब हम उससे मुक्त होते हैं तभी अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाते। परम पूज्य गुरुवर, महिला मंडल खुरई की सभी महिलाएं गुरुकुल में सिद्ध चक्र महामंडल विधान बीजाक्षर मंडल बना के कर रही हैं। उनका एक प्रश्न है और आपका आशीर्वाद चाहती है, अनुष्ठान सानंद संपन्न हो। मारने में जो 8 श्रीफल या 8 सुपारी चढ़ती हैं, वो महिलाएं चढ़ा सकती हैं या नहीं चढ़ा सकती हैं, और चढ़ा सकती हैं तो कैसी शुद्धि रखना चाहिए? देखिए, सिद्ध चक्र विधान अब 2 दिन बाद प्रारंभ होने वाला है, 24 तारीख बीत गया, 25, 26, 27 तारीख के प्रातःकाल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना यहाँ संपन्न होगी। व्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़े ही लोगों को उसका सौभाग्य मिल रहा है। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, घरों में मंदिरों में ये अनुष्ठान संपन्न करेंगे, यहाँ से ऑनलाइन जुड़ करके कर रहे हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा कि वे बहुत उत्साह और उमंग के साथ ये कार्य करें। जहाँ तक आपने पूछा है, सिद्ध चक्र विधान के मंडल में हम 8 दिशाओं के अर्घ को चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं महिलाओं के संदर्भ में, तो यहाँ हम मंडल में भगवान विराजमान नहीं करते, वो यंत्र है,
और यंत्र के स्पर्श करने में कोई दोष नहीं है, इसलिए आप आठों दिशाओं में शुद्धि पूर्वक चढ़ा सकते हैं। पर ये आठ दिशा में कोई एक ही व्यक्ति चढ़ाए, क्योंकि उसमें आठ का ही नियम है ना, आठ फल चढ़ाने पड़ते हैं आठ कोनों में, तो एक ही व्यक्ति करे। और यहाँ सारे निर्देश आप सबको दिए जाएंगे, जैसा निर्देशन आपको यहाँ दिया जाएगा आप उसे अपनाते रहिएगा, आपका विधान सानंद संपन्न हो जाएगा। समय भी हो गया, यही बविराम बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित शिल्पी गंगवाल, पौत्री दनिशा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रशा जैन, श्राविका जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शायशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता।